क्लास में हमने तीन अक्षरों वाले शब्द पढ़ा था, अभी हम सीखेंगे चार अक्षरों वाले शब्द। आ अधि स अधि म अधि न, क्या हुआ है? आसमान, आसमान, ठीक है, ये हो गया आसमान। अभी दूसरा अक्षर होता है, दूसरा अक्षर है अ अधिक द अधिक र अधिक क, क्या है? अदरक। अदरक यानी क्या है? अदरक यानी क्या है? गिंगर, ठीक है, अदरक यानी गिंगर। अभी अगला अक्षर आता है न अधिक त अधिक ख अधिक त, नटखट। नटखट यानी क्या है? नॉटी। नटखट यानी क्या है? नॉटी। इसके बाद आता है चौथा अक्षर ब अधिक ल अधिक ब वा अधिक न, क्या है ये? बलवान, बलवान, ठीक है, ये हो गया बलवान। और अगला अक्षर है, पांचवा अक्षर है त अधिक ल अधिक वा अधिक र, तलवार। तलवार मीन्स तलवार मीन्स तलवार, ठीक है, तलवार मीन्स क्राउड, ठीक है। और दूसरा अक्षर है आ अधिक प, माफ कीजिए, स अधिक पा अधिक स, क्या है? आस पास, आस पास यानी कि आजू बाजू, नियर बाय हियर, ठीक है। और सातवां अक्षर है ख अधिक त अधिक म अधिक ल, खटमल, खटमल, खटमल यानी है बेड बग। इसके बाद है, और उसके बाद है आठवां अक्षर है उ अधिक ब अधिक ट अधिक न, उबटन। उबटन, ठीक है, उबटन यानी कि एक क्रीम जैसा, लेप जैसा रहता है, ठीक है। इसके बाद आता है अभी क्या है अचकन, नवा अक्षर है अ अधिक च अधिक क अधिक न, अचकन, क्या होता है? अचकन। अचकन, ठीक है। अभी दसवां अक्षर है जैसे कि व अधिक न अधिक व अधिक स, वनवास। वनवास यानी कि क्या है? वनवास यानी कि एग्जाइल। वनवास, ठीक है, ये हो गए दस अक्षर कुल मिलाकर हमने लिख दिया है यहाँ पे दस अक्षर। चलिए अभी थोड़े बहुत मिलते के देखेंगे, जैसे कि
मेहमान, मेहमान 11वां अक्षर है, मैं ह म न, माफ कीजिए मेहमान, ठीक है मेहमान, मेहमान यानी क्या है गेस्ट, अतिथि, ठीक है। इसके बाद है 12वां अक्षर है, उसके बाद और आता है और कौन से अक्षर हैं, जैसे कि थर्मास, थ र मा स, थर्मास, ठीक है थ र मास, थर्मास, ठीक है। अभी इसका दूसरा अक्षर आता है श अधिक र अधिक ब अधिक त, शरबत, क्या है शरबत। और 14वां अक्षर है अ अधिक ट अधिक स अधिक ठ, अड़सठ, अड़सठ यानी कि कितना है 68। 15वां अक्षर है प अधिक च अधिक प अधिक न, 55। 55 ये हो गए, ये हो गए 4 अक्षरों वाले शब्द। आपने सीख लिया अभी 4 अक्षरों को जोड़कर कैसे लिखा जाता है। अभी हम अगले क्लास में सीखेंगे कि अक्षरों को अलग करके कैसे लिखा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे अभी हमने ये अक्षरों को जोड़कर लिखा है, अभी ये जोड़कर लिखा हुआ अक्षर ही क्या हुआ है बलवान, यानी कि ब अधिक ल अधिक व अधिक न, बलवान। अभी इसको हम बलवान को अलग करके इस तरह उल्टा तरीके से लिखना हम अगले क्लास में सीखेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा ऐसे ही 4 अक्षरों वाले शब्द आपको 10 लिख कर निकालने होंगे अपने होमवर्क बुक में, ठीक है। अभी आपको इसको एक बार लिख कर निकालना है, और दूसरा है कि आपको 10 अक्षरों को फाइंड आउट करके अपने होमवर्क बुक में लिखना है, ठीक है, और एक बार पढ़ना है। तब तक के लिए हम अगली क्लास की तैयारी करते हैं, ठीक है, धन्यवाद।